मैं बहुत टाइम से ट्रैक्स कर रहा हूँ, मेरा खुद का म्यूज़िक लेबल है जिसके थ्रू मैं बहुत सारे गाने करता रहता हूँ। ये गाना ऐसा हुआ कि 7 साल पहले और 7 साल के बाद तक हम लोग हर 2-3 महीने में किसी शो पे मिलते थे या फ्लाइट पे मिलते थे और हम लोग हमेशा मिलके ये बोलते थे दैट साथ काम करना है, साथ काम करना है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाई हैव वी नॉट डन एनीथिंग टुगेदर टिल नाउ। एंड फाइनली आफ्टर 7 ईयर्स शी केम टू माई हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक एंड शी सेड ओके नाउ। एक बार वो शुरुआत करने वाली बात होती है, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक एंड वी डिसाइडेड ऑन दिस सॉन्ग। 1.5 महीना तो हमने खाली डिसीजन में लगाया कि आप कौन सा गाना आपको ठीक लगता है, कौन सा गाना मुझे ठीक लगता है। एंड यूनानिमसली वी डिसाइडेड आते के लिए एक ऐसा गाना है जिसके साथ हम सोफी को आई कैन शो हर रियली वेल एंड शी इज सच अ ग्लैमरस गर्ल दैट शी विल बी एबल टू पुल इट ऑफ फैबुलसली वेल एंड यू कैन सी द वीडियो। इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम। नहीं एक्चुअली जब हम सोच रहे थे कि कौन सा गाना करें तो राघव ने कहा शुड वी ट्राई रात अकेली, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट गाना है, ना सिर्फ क्योंकि आशा जी ने गाया, मैंने उनके गाने पहले भी गाए, शी इज इनक्रेडिबल एंड टफ टू कॉपी एंड एम्यूलेट, तो आपको अपने स्टाइल में गाना पड़ेगा, लेकिन इस गाने की जो रेंज है नीचे से लेके ऊपर तक, तो मैं सोच रही थी कि इतना कल्ट गाना कैसे करेंगे, बट ही वॉज वेरी कन्विंस्ड और जितना मैंने सुना मुझे भी लगा कि फॉर कोलैबोरेशन। मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मैं डांसी टाइप गाने काफ़ी कर चुकी हूँ, इस टाइप का गाना मैंने नहीं किया और मैं वाकई चाहती हूँ कि लोग देखें कि सोफी वाकई अच्छा गाती हैं और अलग अलग चीज़ें गाती हैं, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। शूटिंग के दौरान तो क्रिएटिव डिफरेंसेस का मौका ही नहीं था क्योंकि डायरेक्टर साहब भी यही तो इनकी बात माननी पड़ी थी, बट ही इज़ सो वंडरफुल टू वर्क विद, ही वॉज वेरी श्योर वेरी क्लियर कि इनको क्या चाहिए था। आई थिंक समटाइम्स इज़ गुड टू जस्ट लेट गो and let one person take control and take charge, and so it was great. It's always been a challenge, you know, pop in India has always been a challenge. It's not something which is new, in fact main to kehta hu ki ab thoda sa better hone lag gaya hai. In the past 3-4 saal to bahut hi bura hal tha, pop was absolutely not accepted at all. Yeah, but luckily I never lost hope. I opened my label also in 2009 which basically gave me the confidence ki ye main chhodne wala nahi hu itni aasani se. See, for an artist hum Bollywood karte hain, ye Bollywood mein gaati hain, main music direct karta hu, it's a very the thought is led by the director and the producers. To aap unke wishes ke upar gana bana rahe hain, situations ke upar gana bana rahe hain, aap aisa kuch nahi kar rahe jo aap khud karna chahte hain. Plus more than anything is that does not have any face value for yourself. It is picturized on an actor or an actresses or various other people. Yahan pe we want to show that we are good singers and performers. And performers and singers, and we can do all of it. It's a package and we have always presented ourselves as packages. Aur ye karne ke liye saath mein ek package create karne ke liye we have to decide ki gana kaisa hona chahiye, isme concept kya hona chahiye. So if you see the video, it's very concept based. It is led by two things. One is glam, second is fashion. तो जो साउंड आप फैशन में यूज करते हैं वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक परफ्यूम स्प्रे की एक आवाज होती है या स्टिलेटोस की आवाज होती है, जिप की आवाज होती है, एक हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं साउंड, लेकिन अगर आप ब्रांच ट्रैप को छोड़ दें तो उसमें भी सिर्फ ऐसी ही आवाज आती है। सो वी हैव टेकन लिबर्टी विद फैशन एंड साउंड्स एंड क्रिएटेड दिस कीपिंग द एडिट इन माइंड वी डिड द एंटायर म्यूजिक। What committee you have to make of this? Well, see the thing is, जो राघव कह रहे हैं about music, सब जानते हैं कि I really believe in pop and non-film और मैं करती रहती हूँ। Thankfully हंगामा हो गया was really well received last year और उसके अलावा मैं हमेशा believe करती हूँ कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे music is such an important part, ना सिर्फ Bollywood से but हर source से music आना चाहिए और उसको support करना ज़रूरी है, इसीलिए हम जैसे artists कुछ भी करके वीडियोस निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी लगता है। जहाँ तक कॉन्सेप्ट का सवाल है, इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो कि ऐसी ऐसी चीज़ों से हम म्यूज़िक बना रहे हैं जो हमारे घर में हैं, जो मौजूद हैं। इट फेल वेरी एक्साइटिंग, ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट, जब हम साउंड क्रिएट कर रहे थे, राघव भी मुझे चीज़ें दिखा रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई थिंक एंड रिजल्ट इवन विजुअली इज़ सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि जितनी बार आप ये वीडियो देखेंगे आपको कुछ अलग नजर आएगा, आप कहेंगे ओ माय गॉड वो नाखून से साउंड क्रिएट किया है, ओ माय गॉड स्कर्ट से साउंड आया, जूते से आया, स्प्रे से आया, हर चीज से साउंड आया एंड आई थिंक दैट्स वेरी अनयूजुअल। हर एक चीज में होता है, ऐसा कुछ नहीं आप करेंगे जिसमें यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी ऑल द टाइम, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप अगर एक गाना नया रिलीज करते हैं जिसका कॉम्पोजिशन नया है, तो दैट सॉन्ग इटसेल्फ नीड्स अ पीरियड ऑफ टाइम टू गेट गरम होने के लिए, नोटिस होने के लिए कि भाई सब लोग सुन रहे हैं। इतनी बार उसका हैमर, वी डोंट हैव द पावर लाइक फिल्म्स डू के आप हैमर करते रहिए और यू प्रोमोटिंग एंड यू हैव बजट 4 crores टू प्रोमोट फिल्म, इट्स नेवर गोना हैपन लाइक दैट। सो हियर हमने एक एड लिया है फ्रॉम अ सॉन्ग विच इज़ पॉपुलर,
फॉर द पीपल हु आर 15 17 इयर्स ओल्ड उनके लिए बिल्कुल ही नया गाना है, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए एनीबॉडी अबाउट द एज ऑफ 25 हैज डेफिनेटली हर्ड ये गाना, उन्होंने सुना हुआ है. लेकिन इस गाने का प्रेजेंटेशन इतना डिफरेंट है और उसमें एक एडिशनल पार्ट भी है विच इज इन इंग्लिश सेक्शन विच आई एम सिंगिंग एंड सोफी हैज रिटन दैट, कि वो आजकल की यूथ को बहुत अट्रैक्ट करेगा. ऑल्सो इट इज़ अ क्लटर ब्रेकिंग वीडियो बिकॉज आप सारे नॉर्मल वीडियोस आते हैं आप देखते हैं, यहाँ पे आपको हर एक डिफरेंट बॉक्स के अंदर अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी. और सोफी ने जैसे बोला कि जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आप कुछ नया पाएंगे उसके अंदर. मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ तक रिक्रिएटिंग ओल्ड सॉन्ग्स का सवाल है, आई हैव ऑलवेज हैड सक्सेस विद इट. लेकिन इट्स नॉट जस्ट अस, फिल्मों में भी तो कर रहे हैं, चाहे वो डिस्को दीवाने हो, चाहे वो हंगामा हो गया हो, चाहे लट्ठे दी चादर हो, चाहे कुछ भी हो, बचना है हसीन हो, देयर ऑल्सो यूजिंग इट. इट्स व्हाट राघव सिंह इज वेरी ट्रू कि उनके पास बजट्स होते हैं वो चीज़ें पुश करने के लिए. वो पॉप सीन में इतना नहीं है जितना होता था, लेकिन आई थिंक हम कुछ हैं लोग जो इस कॉज को चैंपियन करते रहेंगे और कोशिश जारी रहेगी हमारी कि लोग पॉप म्यूजिक भी देखें. Since 2009 called Raghav Sachar Music, and everything that I do since then has been licensed. So I don't only work with Saregama, I work with Universal, with Sony, with Eros, with various other productions. But this song is with Saregama. Yeah. So this song का जो original license है वो Saregama के पास है. या तो मैं उनसे license खरीदता, फिर मैं किसी और label को देता या खुद करता. Instead, we have joined hands together. Saregama and I have had a long history. मेरा पहला album उनके साथ था. I mean, जो Hangama हो गया was with them. Yeah. So it's like returning back to family and saying that okay, we want this song. We are giving you a license of this arrangement and of this video. Which please go and exploit, क्योंकि हम लोगों को किसी से बार्टर नहीं करना पड़ रहा, हम साथ में मिलके ये देखें. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. I mean there's Universal who does it, there's Sony Music who will do it. I mean अगर किसी को भी कुछ viable या interesting लगे वो जरूर support करेंगे. लेकिन हाँ, इट इज़न्ट हाउ इट यूज़ टू बी. एक ऐसा टाइम था जब हमारे एल्बम्स टी सीरीज या टिप्स वगैरह ऐसी चीज़ों पे आते थे एंड दे रियली यूज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन सपोर्ट, बिकॉज उस वक्त पे लोग पॉप ज़्यादा देखते थे, पॉप वीडियो ज़्यादा देखते थे, क्योंकि फिल्मी गाने भी शायद इस तरह के नहीं. चेंज हो गया तो एवरीबडी थिंक्स ट्वाइस. बट या आई एम रियली हैप्पी कि Saregama सपोर्टेड दिस, दे सपोर्टेड आवर प्रीवियस वेंचर्स ऑल्सो. एंड मुझे लगता है कि हर लेबल को, नए आर्टिस्ट को, नए म्यूजिक को सपोर्ट. लास्ट वेंचर इनफैक्ट Saregama के साथ ही था करीब नवंबर में, लास्ट नवंबर में. इट वॉज कॉल्ड ये लड़का हाय अल्लाह, दैट वॉज अनदर कोलैबोरेशन, सिमिलर काइंड ऑफ अ वीडियो विद नीति मोहन. मेरे पुराने गाने देखिए आप उस वक्त से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम अलग था. 2003, 2005, 2007 तक पॉप वॉज स्टिल समवेयर टू बी सीन. उसके बाद 2007 से लेकर 2014 आप 7 साल कर रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं, हम रिलीज कर रहे हैं बट वो ज्यादा नेट पे रिलीज हो रहे हैं बिकॉज द चैनल्स आल्सो डोंट प्ले एज मच. सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट द सीन हैज चेंज्ड. हम तो काम करते रहते हैं और गाने रिलीज करते रहते हैं, ये तो बहुत ही करते रहते हैं. सो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मेन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, वो सैक्सोफोन और फ्लूट है. और मेरा एक पर्सनैलिटी के साथ वो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, बहुत टाइम से जाते हैं. लेकिन आई प्ले लॉट ऑफ वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट्स, 33 इंस्ट्रूमेंट्स. तो वो जैसे ये गाना था, इसमें सैक्सोफोन का यूजेज था ही था, क्योंकि इसमें सोलो है, एक सैक्सोफोन सोलो ओरिजिनल गाने में भी. एंड वो इतना सेंशुअल इंस्ट्रूमेंट है कि वो अगर यहाँ यूज नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे. सो दैट वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन्स. लेकिन आई वुड से अगर आप मुझे सीधा कहीं खड़ा करते हैं तो सैक्सोफोन एक साइड में होना चाहिए, फ्लूट एक साइड में होना चाहिए. दैट्स ऑलवेज बीन द केस. वी आर ट्राइंग, वी आर ऑल पुटिंग ऑल आवर माइट टुगेदर. जो मेरा है, जो सोफी का है, जो HMV का है, एवरीबडी इज पुटिंग इन दैट टू बिट्स बिकॉज वी ट्रूली बिलीव इन द प्रोडक्ट. एंड जहाँ से जो हो जाएगा वी विल बी प्लास्टरिंग इट एवरीवेयर. एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सी दिस वीडियो मच मच मोर. वी आर टेकिंग स्पेशल एफर्ट्स, मेकिंग स्पेशल एफर्ट्स की सोशल नेटवर्क पे और टीवी पे साइमल्टेनियसली ये प्रमोट. और झलक से भी सबने सुना, व्हिच वाज रियली एक्साइटिंग. यू नो आई मीन वीडियो नहीं, लेकिन उसका जो ऑडियो था लोगों ने पहली बार सुना ऑन माय परफॉर्मेंस ऑन झलक दिखला जा, व्हिच इज अ ह्यूज ह्यूज प्लेटफॉर्म. और वहाँ से लोगों ने सुना तो एक्साइटेड हो गया कि वीडियो कैसा होगा. सो आई होप इट ऑल स्पिन्स ऑफ. बस नीड ऑल द मीडिया सपोर्ट एंड ऑल द व्यूअर्स आउट देयर, प्लीज कीप. It's basically multi talented people coming together is the motto of this video. Yeah. She has always been there on the back of my head ki I have to work with Sophie. I think she had the same thought for a long time. And ये हम लोग पुल ऑफ इतनी अच्छी तरीके से इसलिए कर पाए हैं क्योंकि अगर खाली एक सिंगर होती तो ये नहीं हो पाता, या खाली अगर एक एक्ट्रेस होती तो ये नहीं हो पाता. क्योंकि इन्होंने इतना टेलीविजन किया है, इतनी फिल्म्स किए हैं, इतने गाने गाए हैं, दैट वी वर एबल टू अटेम्प्ट सच अ डिफिकल्ट ट्रैक, पुट इन आर टू बिट्स विद इट and then make a video which people are really going to be happy about. So, ये तभी हो सकता है अगर आप एक multitasker और multitasker. Well, that's what I'm saying. I mean, not सिर्फ music producer, arranger, singer,
musician. I mean, someone who plays 33 instruments and more, and now director with this video. I mean, yeah, and I think that's the way forward. लोग इतने annoying questions पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी एक चीज करेंगे, हम क्यों एक चीज करें? I mean, we're here to entertain, and if we are blessed to learn and have more talent. तो वो दिखाना चाहिए. तो उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए हमने अलग अलग टैलेंट्स दिखाए और लोग अप्रिशिएट